So friends, welcome to my channel, and today we will learn about this is and that is. तो this is का मतलब क्या है और that is का मतलब क्या है? तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ. यहाँ होता है this is का मतलब होता है, this is का मतलब होता है यह है. एंड दैट इज का मतलब होता है THAT, दैट इज का मतलब होता है वह है. तो यहाँ पर देख लीजिए, यह दिस इज यह, दैट इज यह, यानी कि दिस का मतलब यह होता है एंड दैट का मतलब वह होता है. अब ये यूज कहाँ पर होता है ये तो आप लोगों को पता ही है. तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए दिस इज ये कहाँ पे यूज़ होता है. तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे. चलिए यहाँ पर बनाते हैं, यह एक किताब है. और एक बनाते हैं इसको लेके, वह को लेके. तो यहाँ बनाते हैं हम लोग, वह एक घर है. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह का जगह क्या लगाएंगे हम लोग, दिस. ठीक है, यह लास्ट में है, यह है, तो क्या लगाएंगे, दिस इज. तो यहाँ पर हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर THIS, दिस इज क्या है, एक किताब. तो यहाँ पर लिखेंगे ए, एक का ए होता है एंड किताब का होता है बुक. दिस इज ए बुक. एंड वह एक घर है. देखिए वह है, यहाँ पर है वह है, तो यहाँ पर दैट इज है, तो यहाँ पर दैट इज यूज करेंगे, दैट THAT, दैट इज एक घर, ए हाउस, दैट इज अ हाउस, दिस इज अ बुक. तो यहाँ पर गौर करना है आप लोगों को, यह का मतलब क्या होता है, यहाँ सामने में जो रहेगा उसको हम लोग दिखाएंगे कि यह एक किताब है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ बुक. और अगर दूर में रहेगा, दूर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वह, तो उसमें क्या बोलेंगे, वह एक घर है को क्या बोलेंगे, दैट इज अ हाउस. यानी कि दूर में रहेगा तो दैट इज, एंड सामने रहेगा तो दिस इज. और एक टू सिंपल से यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं दोनों को लेके, यह एक कलम है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन. ठीक है, क्योंकि यहाँ सामने, यह सामने का हम लोग दिखाते हैं यह बोल के, एंड दूर कर रहता तो यहाँ पर वह रहता, और उसमें क्या यूज़ करते हैं, दैट. क्या यूज़ करते हैं, दैट. तो यहाँ पर हम लोग एक टू बना लेते हैं, जैसे वह एक कलम है. चलिए यह एंड वह यहाँ पर दोनों है, ये देख सकते हैं, यह एक कलम है, सामने में होने से क्या बोलते हैं, यह एक कलम है, तो दिस इज अ पेन. दूर में रहने से क्या बोलते हैं, वह एक कलम है. तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, वह का क्या लिखते हैं, दैट, THAT, दैट इज अ पेन. तो इस तरह से ये बनता है, तो देख सकते हैं. और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया दिस इज एंड दैट इज कहाँ पे यूज़ होता है. और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और गाइस मिलते हैं किसी और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए.